विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश महासागरी धाराएं कर रहे थे हम लोग। उसमें मैंने आपको बताया कि पहला काम क्या करना है, ये याद करना है कि कौन से महासागर में कौन सी धाराएं। अब मैं करा रहा हूं आपको प्रशांत महासागरीय धाराएं, अटलांटिक महासागर की धाराएं मैं करा चुका हूं पिछले उसमें, ठीक है। प्रशांत महासागर की धाराओं में क्या करना है, आपने पहले दो भागों में तोड़ देना प्रशांत महासागर को। ऊपर वाले महासागर जो है प्रशांत महासागर है ना, पैसिफिक ओशियन, उसको बोलना है नॉर्थ पैसिफिक ओशियन, और नीचे वाले को साउथ पैसिफिक। नॉर्थ पैसिफिक की अलग याद करनी है, साउथ पैसिफिक ओशियन की अलग याद करनी है। पहला काम यही करना है इस चैप्टर को पढ़ने से पहले, ठीक है। एटलस सामने होना चाहिए, एटलस में जो धाराओं का रूट दिखा रखा है वो आपको पता होना चाहिए। पहली धारा नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, यहां पर भी मिल गई यार, कहां पर, अटलांटिक में भी मिली, पैसिफिक में भी मिल गई, कहां नहीं मिलेगी, कहां नहीं मिलेगी है? इंडियन ओशन में मिलेगी भाई, उत्तर विषुवत रेखीय धारा मिलेगी, हाँ वहां भी मिलेगी, कहां नहीं मिलेगी। चार ऑप्शन होंगे आपके पास, अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन, और एक और ओशन का नाम दे देगा, कौन सा, सदर्न ओशन। सदर्न ओशन में नहीं मिलेगी, या एक और ओशन है ऊपर, कौन सा, आर्कटिक ओशन, वहां नहीं मिलेगी। तीन ओशनों में मिलेगी, कहां का, पैसिफिक, अटलांटिक और इंडियन, ठीक है। तो नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट ये गर्म है। अगला है क्यूरोशियो करंट, क्या है, क्यूरोशियो करंट, बड़ी इंपॉर्टेंट गर्म जल धारा है भाई। कई बार तो इतने में ही काम चल जाता है, जो लो कैटेगरी क्वेश्चन पेपर्स बनाने वाले होते हैं वो खाली इतने में ही काम चला देते हैं, एक नंबर दे देते हैं कि क्यूरोशियो धारा की प्रवृत्ति कैसी है, आंसर गर्म, कैसी है, गर्म। चार ऑप्शन देगा वो, गर्म है, ठंडी है, ना गर्म है ना ठंडी है, ये क्या हुआ भाई ऑप्शन, मैंने देखा किसी पेपर में, ना गर्म ना ठंडी का क्या मतलब हुआ, गुनगुना, यही हुआ फिर। क्यूरोशियो करंट कैसी, गर्म जल धारा, देखो उसको कहां पर है क्यूरोशियो, नाम से पता चला जापान के आसपास होगी कहीं, इसके पास होगी, जापान के आसपास होगी। उत्तरी प्रशांत धारा, नॉर्थ पैसिफिक करंट, ये भी गर्म है, दिख रही है, नॉर्थ पैसिफिक करंट दिख गई, गर्म है। अलास्का की धारा, अब आपको जाना पड़ेगा अलास्का के लिए कहां, नॉर्थ अमेरिका में जाना पड़ेगा, नॉर्थ अमेरिका के ऊपर 49th स्टेट ऑफ यूएसए, रूस से खरीदा था कभी, आज खून के आंसू रोता है, रूस क्यों बेचा होगा इसको, जैसे कुछ लोग बाप दादाओं की जमीन बेच देते हैं पहले, फिर बाद में रोते हैं कि हमने तो क्या जी 50,000 में बेची थी, आज उसकी कीमत 5 करोड़ हो गई, वैसे ही है अलास्का में, आज कोयला भी है, आज कई चीजें मिल रही है, पेट्रोलियम भी है, हल्का फुल्का सोना भी है, कुछ लाख डॉलर में खरीदा 49th स्टेट ऑफ यूएसए अलास्का। यूएसए के झंडे को स्टार एंड स्ट्रिप्स कहते हैं, क्या कहते हैं, स्टार एंड स्ट्रिप्स, इसलिए कहते हैं स्ट्रिप्स है 13, क्योंकि सबसे पहले ब्रिटिशर जब आए सिर्फ 13 राज्य बनाए उन्होंने कहा ईस्टर्न कोस्ट पर, उसके बाद 50 राज्य बन गए उनके धीरे धीरे, तो 50 तारे 50 राज्यों को डिनोट करते हैं। उसमें क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, अगर मैं पूछूं, यूपीएससी ने पूछा कि यूएसए में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, ढूंढो, और अगर मैं बोलूं कि अलास्का के अलावा, तो जहां का गवर्नर था शायद आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर, टेक्सास सबसे बड़ा प्रांत है, दिख रहा है, नीचे दिखेगा, नीचे वाले के बीच बीच में, बीच बीच में ऊपर जाओ, पेन बीच बीच में मतलब यूएसए के नीचे, चलते रहो नीचे, चलो और नीचे चलो, यहां पर लिखा होगा टेक्सास, लिखा है, मिल गया। अब बताओ सबसे बड़ा राज्य कौन यूएसए का, अलास्का, दूसरे नंबर पे कौन, टेक्सास, तीसरे नंबर पे कौन, कैलिफोर्निया, चौथे नंबर पे कौन, मिशिगन। समझ में आया, मैं यहां से क्वेश्चन बनाता, बड़ा सपना है ना कई लोगों का यूएसए जाने का, तो सबसे पहले यही बता दो चार बड़े राज्य कौन से हैं यूएसए में। अभी कुछ समय पहले उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा
कि गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया किस देश का भाग है? अभी आपने बोला मुझे कि सबसे बड़ा राज्य कौन सा है जी, अलास्का है। दूसरे नंबर पे आपने बोला टेक्सास है। तीसरे नंबर पे आपने क्या बोला? कैलिफोर्निया बोला, कैलिफोर्निया बोला। और चौथे नंबर पे क्या बोला आपने? मिशिगन। अब चौथे नंबर पे मोंटाना, ठीक है चलो चौथे नंबर पे मोंटाना। तीसरे नंबर पे कैलिफोर्निया बोला ना, तीसरे नंबर पे कैलिफोर्निया बोला। अब कैलिफोर्निया प्रांत कहाँ है? यूएसए में। तो जानबूझकर उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि कैलिफोर्निया की जो धारा, सॉरी गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया किस देश का भाग है? पूरा का पूरा मेक्सिको का भाग, क्योंकि मेक्सिको के नीचे एक वो दिख रहा होगा आपको, एक लंबी सी एक पट्टी दिख रही होगी, उसके बीच में पड़ता है कौन? गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया। ये ऐसे होते हैं यूपीएससी के क्वेश्चन। अपनी सोच को इतना ही बारीक बनाइए जितना मैं बता रहा हूं, इससे भी ऊपर। जब आप देख रहे हैं तो आपकी दृष्टि क्या होनी चाहिए? बारीक होनी चाहिए, ठीक है। अलास्का की धारा कैसी है? गर्म। कैसी है? गर्म। अच्छा एक चीज और याद आई मेरे को, सुनिए। अटलांटिक ओशन जब मैं पढ़ा रहा था तो मैंने यहां गल्फ स्ट्रीम जा रही थी, ऊपर जा रही थी, न्यूफाउंडलैंड के आसपास लैब्राडोर करंट मिल रही थी। आप ये बताओ कि अगर एक गर्म जल धारा पश्चिम की साइड से जा रही है कहां? यूएसए के, फिर भी यूएसए में बर्फ पड़ रही है, व्हाइट हाउस पूरा क्या हो जा रहा है, वॉशिंगटन डीसी पूरा क्या हो जा रहा है, जम जा रहा है, उस गर्म जल धारा का प्रभाव वहां पर क्यों नहीं पड़ रहा है? कायदे से उसकी जलवायु पर पड़ना चाहिए। अब आप बोलेंगे क्वेश्चन कहां का? ये भी यूपीएससी का। भाई एक चीज सोचो ना आप, कि जहां पे आप बैठे हो, अगर बगल से, मेरे बगल से यहां से एक नदी जा रही हो, गर्म पानी हो उसमें, तो क्या उसका प्रभाव मेरे पर नहीं पड़ना चाहिए? पड़ना चाहिए। तो उसका प्रभाव क्यों नहीं पड़ रहा वहां पर? अब ये यक्ष प्रश्न हो गया। दरअसल क्या है, एक तो काफी दूर से बहती है और बीच में एक वॉल बनती है, कोल्ड वॉल। मतलब क्या करोगे आप जब यूएसए के, माना वॉशिंगटन डीसी से या न्यूयॉर्क, चलो वॉशिंगटन डीसी से ले जाते हैं आपको, मैं बोट में बिठाऊंगा और मैं अटलांटिक ओशन की तरफ जब चलूंगा तो बहुत दूर तक आपको, कई किलोमीटर तक ठंडा पानी मिलेगा आपको। क्या मिलेगा? और उसके बाद जाके मिलेगी आपको गल्फ स्ट्रीम। तो गल्फ स्ट्रीम काफी दूर से बहती है, ये चेक कर रहे ना कितने किलोमीटर दूर से बहती है, और साथ में वो पानी, एक जो वॉल बनी हुई है वो ठंडी ही है, ठंडे पानी की वॉल, उसको प्रभावित नहीं करती है कौन? गल्फ स्ट्रीम। ये कुछ ऐसा क्वेश्चन देखा था मैंने, हाँ यहां पर, जहां पर ये बता रहे हैं बिल्कुल वहीं पर, इसके इधर ठंडा पानी है, इसके इधर क्या? गर्म पानी है। याद रहेगा। अगला, कैलिफोर्नियन करंट, ये ठंडी है भाई। पैसिफिक ओशन में इधर देखो, ऐसे घूम के आई है पूरी, कहां गया वो पैसिफिक ओशन, ये दिख रहा है, ये पूरा घूम के आया इधर से, फिर ठंडा मिली, फिर ये यहां पे जब आई तो यहां पे आते आते क्या हो गई? ठंडी हो गई। क्या हो गई? तो ये हो गई कैलिफोर्नियन करंट। कैसी है? ठंडी है। और ये श्राप बन गई, फिर श्राप नहीं बोल सकते, जो छिपकलियां होती उनके लिए तो बिच्छू, छिपकलियों के लिए तो वरदान है सांप, एरिजोना डेजर्ट। क्या इसके दाईं तरफ आपको क्या मिलेगा? एरिजोना डेजर्ट मिलेगा। एरिजोना प्रांत है, कहां पर? यूएसए में। परमाणु परीक्षण करता था पहले वहां पर वो अपने, जैसे हम अपना परमाणु परीक्षण कहां करते हैं? कहां करते हैं? पोखरण में। पोखरण कहां पड़ता है? राजस्थान में। उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं करते हम? उत्तर प्रदेश में करो, तो फर्टाइल लैंड है, रेडिएशन फैल जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, डेजर्ट में करना पड़ता है हमेशा। किसका? परमाणु का जो परीक्षण होता है, अब तो कंप्यूटर में ही करते हैं, पर पहले जो करते थे वो डेजर्ट में किया जाता है। रूस है जैसे, तो रूस अंदर वाले भागों में नहीं करता, रूस ऊपर जाता है, आइलैंड है उसके कुछ, ओला आइलैंड है क्या, कहीं पर जाकर परमाणु परीक्षण करता है। ये यूपीएससी क्वेश्चन होते हैं ऐसे, कि रूस अपने परमाणु परीक्षण कहां करता है, यूएसए अपने परमाणु परीक्षण कहां करता है, उसकी जो ये गुप्त जो वो चलते हैं, अभियान चलते हैं, वो कहां पर चलते हैं, टेस्टिंग जो चलती कहां पर चलती है, एरिजोना डेजर्ट, ठीक है। टीयर्स ऑफ द सन देखना एक पिक्चर, कौन सी लिख लो, किताबों का नाम लिखो ना लिखो, चलो
ऐसे ही वहां पे सोनोरन डेजर्ट होगा, एक मैक्सिको तक जाते हैं वो डेजर्ट, ऐसे ही मुजेब डेजर्ट होगा। समझ में आ गया? कैलिफोर्नियन करंट कैसे ठंडी जलधारा है, ऐसे ही एक ओखोस की करंट होगी, ओखोस करंट ठंडी है ये, ओखोस करंट। अब कहां मिलेगी भाई ओखोस करंट बताओ? ऊपर की तरफ जाओ, ओखोत्स करंट कहां मिलेगी? हाँ जी, पैसिफिक ओशियन में ओखोत्स की करंट कहां मिलेगी आपको? अब देखो मैं ऐसे क्वेश्चन पूछूंगा आपको, अटलांटिक ओशियन की लैब्राडोर करंट की तुलना पैसिफिक ओशियन की किस करंट से कर सकते हैं? तो वहां लैब्राडोर ऊपर से आ रही है आइसबर्ग लेकर, यहां पे ओखोत्स्क आ रही है आइसबर्ग लेकर, और वो किससे मिल रही है फिर? किरोशिवो की करंट से मिल रही है। किससे मिल रही है? किरोशिवो से मिलेगी। नहीं आया समझ में? ओखोत्स्क करंट जैसे यहां पर ठंडी पानी लेके आ रही है, आइसबर्ग लेके आ रही है, किससे मिल रही है? किरोशिवो की धारा से मिल रही है। वैसे ही वहां पर लैब्राडोर करंट किससे मिलती है? गल्फ स्ट्रीम से मिलती है। क्लियर हो गया? अभी ये भी समझाऊंगा, गल्फ स्ट्रीम तो नॉर्मल बोलते हैं, पूरा गल्फ स्ट्रीम ही बोल रहे हैं, अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम है उसका, गल्फ स्ट्रीम का। कहां से कहां तक उसको नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट बोलते हैं, कहां से कहां तक उसको गल्फ स्ट्रीम बोलते हैं, तो अलग अलग जगह पर उसके अलग अलग नाम है, वो बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, फिलहाल मोटा मोटा मैं गल्फ स्ट्रीम बोल रहा हूँ। ठीक है, ऐसे ही मोटा मोटा मैं यहाँ पे किरोशिवो करंट बोल रहा हूँ। किससे मिल रही है? क्यूराइल की धारा किससे मिल रही है? किरोशिवो करंट से मिल रही है। क्लियर हो गया? अगली जो धारा है वो है ओयाशिवो करंट, ये भी ठंडी है। नाम से पता चल रहा है जैपनीज नाम है ये सब, क्या है? ओयाशियो, किरोशियो, ये कैसे नाम है? जैपनीज नाम। ये ठंडी है भाई, ओयाशियो करंट कैसी है? ठंडी। एलुशियन करंट, एलुशियन, दरअसल आप अगर उस मैप पे देख पा रहे हैं, देख रहे हो तो अलास्का दिख रहा होगा आपको, अलास्का के नीचे एक चेन दिख रही होगी आपको आइलैंड की, ये देखो ये इधर एक चेन दिख रही होगी, छोटे 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 खूब सारे आइलैंड लंबे जा रहे होंगे पीछे तक, जा रहे हैं, जा रहे हैं, इसी को बोलते हैं एलुशियन, एलुशियन आइलैंड्स बोलते हैं उनको। क्या बोलते हैं? अब ये क्या है? यहां से एक क्वेश्चन और बनेगा, क्या बनेगा बताओ? मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि यूपीएससी कहां तक सोचती है, जहां तक आप नहीं सोचते वहां तक सोचती है। अब आप कहोगे यार एलुशियन से क्या क्वेश्चन बना सकती, तो उसने बनाया कि 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड इंटरनेशनल डेट लाइन, क्या इंटरनेशनल डेट लाइन को मोड़ा क्यों गया है यहां पर एलुशियन की वजह से? अगर एक आइलैंड के बीच में से 180 डिग्री इंटरनेशनल डेट लाइन चली जाती है तो इधर सोमवार हो जाएगा, इधर इतवार हो जाएगा, पागल हो जाएंगे लोग, तो लड़ाई आदि इसी की होगी सुबह सुबह कि भैया सोमवार है और दूसरा बोलेगा इतवार है। इंटरनेशनल डेट लाइन को कहीं पर भी किसी भूभाग से नहीं गुजारा गया है, इंटरनेशनल डेट लाइन को पूरा का पूरा जल राशियों से गुजारा, मतलब पानी से गुजारा गया। समझ में आ गया? तो ये एलुशियन जो आइलैंड्स की चेन है इसकी वजह से क्या हो गया 180। तो देखो कहां पूछा उसने यूपीएससी, सोच सकते हो? अब मैं बता रहा हूं दक्षिणी प्रशांत महासागर की धाराएं, क्या बता रहा हूं मैं, क्या बता रहा हूं, बस मैं बोल रहा हूं, आपने याद करना है, मेरे से अपेक्षा मत करना कि मैं याद करके सुनाऊं, मुझे याद है, आपने याद करना। दक्षिण विषुवत रेखीय धारा यहां पर भी वैसे ही होगी जैसे अटलांटिक में थी, साउथ इक्वेटोरियल करंट, एक ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट होगी वो गर्म होगी, ध्यान रखना ऑस्ट्रेलिया के इधर गर्म जल धारा है और इधर मतलब ईस्ट में गर्म है और वेस्ट में क्या है ठंडी है, वेस्ट वाली हम इंडियन ओशन के साथ पढ़ेंगे, उसके साथ पढ़ेंगे। और मैंने कहा महाद्वीपों के वेस्टर्न साइड में अगर ठंडी जल धारा जा रही है तो अभिशाप है, किसके लिए? अभिशाप नहीं है, मैंने कहा छिपकलियों के लिए, बिच्छुओं के लिए, सांपों के लिए तो वरदान है, क्योंकि डेजर्ट बनेगा, उनको रहने के लिए क्या मिलेगा, नागफनी के लिए वरदान है ना। ऑस्ट्रेलिया के जो डेजर्ट हैं जितने भी, छह डेजर्ट पढ़ते हैं हम, कौन कौन से?
ग्रेट सैंडी डेजर्ट, विक्टोरिया डेजर्ट, गिब्सन डेजर्ट, सिम्पसन डेजर्ट, स्टुअर्ट डेजर्ट, और कौन कौन से पढ़ते हैं भाई? वो सारे डेजर्ट क्यों बने? तानामी डेजर्ट क्यों बने वो डेजर्ट? उसका एक कारण ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट है, जो कि इंडियन ओशन में पड़ेंगे। नहीं आया समझ में? वाली के ऑस्ट्रेलिया में जाओ, ये ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रेलिया का मैप अलग होगा, ऑस्ट्रेलिया को पहचानो, कभी भी टिकट मिल सकता है कि चलो ऑस्ट्रेलिया। ब्रिटिशर्स को ऐसे ही मिला था, ब्रिटिशर्स को बोला गया कि भाई तुम जेल जाओगे या ऑस्ट्रेलिया जाओगे, तुमने टैक्स नहीं दिया इस बार, तुम जेल जाओगे या ऑस्ट्रेलिया जाओगे? उसने कहा जेल जाने से अच्छा ऑस्ट्रेलिया चले। आपराधिक प्रवृत्ति के लोग गए थे कहां? ऑस्ट्रेलिया। कहां गए थे? ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम में आज भी आपको कुछ इस प्रकार के कृत्य दिख जाएंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि जो प्रवृत्ति मनोवृत्ति है वो कैसी है, एग्रेसिव है बहुत ज्यादा। कैसी है? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया बसा ही उन्हीं लोगों की वजह से। कहां बसा ऑस्ट्रेलिया? प्यासी भूमि का देश बोलते हैं। वहां जो मूल निवासी थे वो कौन थे? बिंदीभूस थे, एबोरिजिनीज थे। उनको मारा इन्होंने, भगाया है ना, और फिर किनारे किनारे बसे। किनारे किनारे बसे मतलब जितने शहर हैं ऑस्ट्रेलिया के बड़े, वो सब कहां है? किनारे किनारे हैं। जब ग्लोबल वार्मिंग अपने चरम पर होगी, जब दोनों हिम टोपियां पिघल जाएंगी आइस कैप्स, तब क्या होगा? सबसे ज्यादा नुकसान ऑस्ट्रेलिया को होगा, नुकसान हमें भी होगा, हमारा मुंबई चेन्नई सब जाएगा, कोलकाता सब डूबेगा। लेकिन मैंने कहा सबसे ज्यादा नुकसान किस देश को होगा? ऑस्ट्रेलिया को होगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया फिर रहेगा ही नहीं, अस्तित्व समाप्त हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। बीच में तो आज भी कुछ नहीं है आबादी, है ना, समझ में आ गया? अच्छा जी, ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट हो गया भाई, गर्म है। दक्षिणी प्रशांत प्रवाह, साउथ पैसिफिक ड्रिफ्ट, ठंडा। मैंने कहा ठंडी हवाएं चलेंगी तो भाई प्रवाह भी कैसा होगा? ठंडा होगा। जो पोलर विंड्स होती हैं, या मैंने कहा रोडिंग 40s, फ्यूरस 50s, स्ट्रकिंग 60s, है ना। पेरू या हम्बोल्ट करंट आ गया भाई, मेरा प्रिय प्रश्न। महान भूगोल पिता अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट के नाम पर कौन सी जल धारा है? अरे पेरू नाम था भाई उसका, चिली नहीं था, पेरू की धारा, पेरू देश है ना। पेरुवियन करंट का नाम क्या है? हम्बोल्ट करंट। उसको सही कर देना भाई, वो चिली निकल गया वहां पर। क्या बोलना है? पेरू की धारा। उसका पेरू की धारा अपलोड कर दिया क्या? पेरू की धारा का नाम क्या? हम्बोल्ट करंट, ठंडा, ठीक है। ऐसे एक अल्लीनो करंट, कौन सा? अल्लीनो। भाई ये अल्लीनो चलता कहां से है? चलता पैसिफिक ओशन से है ये करंट। ये क्या करती है, कैसी धारा है? गर्म जल धारा है। इसका रूट कैसा है? पैसिफिक से चलती है ये, किस तरफ? ऑस्ट्रेलिया से ऊपर ऊपर होते हुए और सिंगापुर के नीचे कौन सा स्ट्रेट है? वो मलक्का स्ट्रेट से होते हुए कहां जाता है? इंडियन ओशन में पहुंच जाता है पानी अल्लीनो का। कहां पहुंच जाता है? अरे स्टेट ऑफ मलक्का से, मतलब पैसिफिक ओशन से चलता है, चिली, चिली और पेरू के तट से चलते हुए कहां पहुंचता है? ये 0 डिग्री इक्वेटर, और 0 डिग्री इक्वेटर से होते हुए वो जितने भी आइलैंड वाले, जो आपने इंडोनेशिया वाला पार्ट पढ़ा है, उसके ऊपर से होते हुए कहां पहुंच जाता है पानी? इंडियन ओशन में पहुंच जाता है, और इंडियन ओशन के तापमान को क्या करता है? बढ़ा देता है। क्या करता है? अब उसी समय मानसून चल रहा होता है हमारा। मानसून क्या है? हवाएं हैं। और हमारे मानसून का नाम क्या है? साउथ वेस्ट मानसून। साउथ वेस्ट मानसून क्यों है? क्योंकि साउथ वेस्ट से चलता है, ठीक है। और क्यों चलता है? क्योंकि इंडियन ओशन का टेम्परेचर होता है कम और भारत की भूमि का टेम्परेचर होता है ज्यादा। एक कारण बता रहा हूं, कई कारण होते हैं मानसून के, लेकिन एक कारण यह है। तो क्योंकि इंडियन ओशन में लो प्रेशर बना हुआ होता है, सॉरी हाई प्रेशर बना हुआ होता है, और भारत की जो भूमि है वहां पर लो प्रेशर बना हुआ होता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हवाएं चलती हैं, साथ में मॉइस्चर लेके चलती हैं, उसी को हम मानसून बोलते हैं। हिप्पालुस ने इसकी खोज की थी। किसने? हिप्पालुस ने। समझ में आ गया? किसने? अच्छा जी, अब क्या होता है कि इंडियन ओशन में जब ये गर्म पानी पहुंचता है तो क्या होता है?
वहां पर जो हाई प्रेशर बना हुआ था उसकी जो मतलब एक तरह से जो क्षमता है वो कम हो जाती है, मतलब गर्म पानी, क्योंकि पहले ठंडा था पानी, वहां पर अल्निनो करंट पहुंच गई, अल्निनो करंट का जल पहुंच गया, पानी गर्म हो गया। जब पानी गर्म होगा तो गर्म पानी के ऊपर में कांटेक्ट में जो एयर होगी वो क्या होगी, ऊपर उठेगी, ऊपर उठेगी तो क्या होगा, लो प्रेशर बन जाएगा। तो हालांकि ज्यादा लो प्रेशर भारत की भूमि पर है लेकिन उतना हाई प्रेशर अब क्या नहीं है, क्या नहीं है, कहां नहीं है, इंडियन ओशन पे नहीं है। तो जिस इंटेंसिटी से मानसून आता था उस इंटेंसिटी से नहीं आ पाता, और हम बोलते हैं मानसून भटक गया, मानसून वीक हो गया। और उस वर्ष क्या होता है, तीन चार साल में ऐसा होता है, अल्निनो इफेक्ट देखा जाता है, उस वर्ष क्या होता है कम बारिश होती है। क्या होती है, क्योंकि जो मानसून की जो तीव्रता होती है वो कम हो जाती है, तीव्रता कम होने से कुछ स्थानों पर तो वर्षा होती ही नहीं, और तब बोला जाता अल्निनो इफेक्ट। इसका उल्टा था लानिनो इफेक्ट। क्या होता है, लानिनो ठंडी धारा है, लानिनो कैसी है, ठंडी धारा है, ऐसे एक केल्विन की करंट है, केल्विन करंट, ठीक है, ये गर्म है। और ऐसे ही मैंने बोला जैसे नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट चल रही है, साउथ इक्वेटोरियल करंट चल रही है, उसके बीच में उल्टी वेस्ट टू ईस्ट एक करंट चल रही होती है, इसको क्या बोलते हैं, काउंटर इक्वेटोरियल करंट बोलते हैं, काउंटर इक्वेटोरियल करंट। एक बार फिर बोल दूं, महान अलेक्जेंडर हम्बोल्ट के नाम पर जो धारा है कौन सी, वो पेरुवियन करंट, कौन सी है, पेरुवियन करंट। ठीक है, इसमें इतना ही करता।